हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि करंट फ्लोइंग विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग कोई भी दो मेटल लेते हैं, अगर इसका पोटेंशियल भी है और इसका पोटेंशियल भी है, तो हम लोग जानते हैं अगर दो बॉडी का पोटेंशियल सेम रहे तो अगर उसे वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो न करंट इधर से फ्लो होगा न करंट इधर से फ्लो होगा, यानी करंट का वैल्यू ज़ीरो होता है। लेकिन आज हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, थियोरेटिकल कंसेप्ट और रियल लाइफ में, कि कैसे विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस उसमें करंट फ्लो होता है और उस करंट का वैल्यू 1 एम्पियर भी हो सकता है, 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है। ये सब भी जानने का प्रयास करेंगे। यानी बेसिकली बात करें तो हम लोग सर्किट थ्योरी के अंदर बात करने वाले हैं, नेटवर्क थ्योरी के अंदर, कि अगर कोई सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई सर्किट दिया हुआ है तो उसमें विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट कैसे फ्लो होता है और वहाँ क्या प्रोज और कॉन्स है उसका, कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं, जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे बना लिए, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल भी है, ठीक। अब ये पोटेंशियल भी है, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, मान लेते हैं ये बल्ब या मेरा हीटर है तो इसका कुछ रेसिस्टेंस आर दिया होगा। तो अगर हम लोग बोले इससे करंट कितना फ्लो होगा तो बोलेंगे V is equal to I is equal to V upon R, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाता है तो ये इतना करंट इस सर्किट से फ्लो होगा। तो यहाँ पे बात करें तो ये करंट इस वायर से फ्लो होते हुए इस वायर से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, इस तरह का करंट। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो वायर होता है इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, तो इसके कारण अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो अगर हम इधर का पोटेंशियल को ज़ीरो बोलें तो इधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और यही पोटेंशियल मेरा यहाँ पर भी आएगा भी, और यही पोटेंशियल इस पूरे वायर में ज़ीरो पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर इस पूरे वायर में ये पोटेंशियल भी है, हम लोग मानते हैं कि अगर वायर है तो इसमें पूरा पोटेंशियल भी रहता है, सिर्फ जो एलिमेंट होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो इस वायर में हर एक जगह का पोटेंशियल भी है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल भी है तो हम लोग क्या कहेंगे, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज़ीरो है। यानी अगर हम इस पॉइंट को ए नाम देते हैं और इस पॉइंट को बी नाम देते हैं तो इसका ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है। ए बी के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें ज़ीरो है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन फिर भी करंट फ्लो होता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं थियोरेटिकली, ये क्या उनका कंसेप्ट है, थियोरेटिकली, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि अगर वायर है तो उसमें हर एक जगह का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ थियोरेटिकली बोल सकते हैं क्या, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ज़ीरो है फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यही मेरा कंसेप्ट था। तो यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ आई का वैल्यू होगा, मान लेते हैं इसका 2 एम्पियर करंट का वैल्यू आ रहा है, तो ये करंट इससे भी फ्लो हो रहा है लेकिन ये करंट इस वायर से भी फ्लो होगा, यानी यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है। यानी यहाँ पर भी बोलेंगे करंट का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है, तो इसमें करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे जबकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो यहाँ करंट का तो वैल्यू ज़ीरो हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग थियोरेटिकली बात करें तो देखिए आई इज़ इक्वल टू, यहाँ का बात करना है हम लोगों को, यहाँ का तो आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ज़ीरो है, वी अपॉन आर होता है ना, तो इस जगह से इस जगह बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ज़ीरो है इस दोनों पॉइंट का, तो ज़ीरो अपॉन, और इसके बीच का रेसिस्टेंस भी क्या है, ज़ीरो है। तो आप मैथ में जानते हैं अगर 0/0 फॉर्म आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट, यानी ये लिमिट के अंदर आ गया। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, अब ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है क्या, इसके कारण कितना यहाँ पे करंट आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके कारण जो करंट का आएगा वैल्यू, जितना मैग्नीट्यूड आएगा वही यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा, समझ में आ गया कि
क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वी अपॉन आर, रेसिस्टेंस का भी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि हम लोग थियोरिटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। थियोरिटिकल कंसेप्ट में हम लोग जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो ऑलवेज जीरो मानकर चलते हैं वायर का, जहाँ एलिमेंट होता है वहाँ का रेसिस्टेंस कुछ होता है, तो इसके कारण इसका कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अब इसका वैल्यू 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है। ये रियल लाइफ हुआ। अगर हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग, ये थ्योरेटिकल हुआ, अब हम लोग रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो रियल लाइफ में क्या होता है ना, ये रेसिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट इज इक्वल टू, हम लोग सिंपल से वी अपॉन आर नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को इस वायर का भी रेसिस्टेंस लेना होगा, क्योंकि इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो यानी आपको आई निकालना है तो ऐसे निकालना होगा, वी अपॉन आर प्लस ये जो इधर वायर है ये सभी का रेसिस्टेंस आर दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वायर का रेसिस्टेंस आ रहा है, यहाँ तक का वायर का रेसिस्टेंस आ रहा है, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, वी अपॉन आर प्लस टू आर, तो इतना करंट इसमें फ्लो होने वाला है। तो मान लेते हैं कि हमको करंट का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से अगर हम अब यहाँ तक का बात करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट का, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है वह धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। मान लेते हैं इधर का पोटेंशियल जीरो है और इधर का पोटेंशियल भी है, तो ये पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल और थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, और थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, लेकिन ये जो वायर होता है इस वायर का रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो जो ड्रॉप होगा वह भी नेग्लिजिबल होगा। यानी जब हम लोग ए से बी पॉइंट पहुँचेंगे, अगर B पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V से थोड़ा सा कम होगा, V माइनस, यानी V से थोड़ा सा कम। यानी अगर यहाँ का 10 वोल्ट लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ का कह सकते हैं 9.999 वोल्ट होगा, क्योंकि ये वायर है, तो वायर में ड्रॉप बहुत कम होता है, इसका रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। फिर भी हम लोग रेसिस्टेंस कुछ मान लिए हैं R, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा डेल्टा भी, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, यानी ये डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, भी माइनस इस पोटेंशियल को माइनस करके, तो यहाँ से करंट आई फ्लो होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा भी है, और इसका रेसिस्टेंस कितना मान लिए हैं, स्मॉल आर, माने हैं इस पूरे वायर का, लेकिन मान लेते हैं कि अभी यहाँ तक के लिए स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, अब इसका पूरा वैल्यू डिपेंड करता है कि इस पूरे का करंट कितना आ रहा है, क्योंकि ये डेल्टा भी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल है ऑलमोस्ट वही यहाँ पर भी पोटेंशियल है, और जस्ट लाइक यहाँ का रेसिस्टेंस भी क्या है, नेग्लिजिबल है, तो यानी यहाँ पर भी क्या हो जाता है, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत छोटा होता है और रेसिस्टेंस भी बहुत छोटा होता है, तो जो ऑल ओवर वैल्यू आता है यहाँ से, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ से भी आएगा, क्योंकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, यानी ये लिमिटिंग फॉर्म आ गया, और इस लिमिटिंग का जो वैल्यू होता है जस्ट लाइक यहाँ जो इसे बताए कांस्टेंट, उसी तरह यहाँ भी कुछ कांस्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जीरो हो जाता है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं ये अनडिफाइंड टर्म हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो इसी कारण कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि ड्रॉप बहुत कम होता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि आप पोटेंशियल यहाँ पर जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो होगा, लेकिन ये थियोरेटिकल कंसेप्ट में सही है, लेकिन प्रैक्टिकली बोले तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होता है, जो बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जीरो है और पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है, क्या अगर आपको जब भी सर्किट सॉल्व करना रहे इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो उसमें याद रखिएगा कि जहाँ पे एलिमेंट है वहाँ का रेसिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और जो वायर रहता है वहाँ पे अगर यहाँ का पोटेंशियल भी कंसीडर किए हैं, तो इस पूरे जगह का पोटेंशियल क्या होगा, भी रहेगा। अगर यहाँ जीरो कंसीडर किए हैं तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा।
समझ गया। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के बावजूद भी करंट यहाँ फ्लो होता है। आई होप आप समझे होंगे कि रियल लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस और प्रैक्टिकली रियल लाइफ और थ्योरेटिकल में समझ में आया होगा आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कैसे करंट फ्लो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।